गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी देख सकते हो समय बदले 9, मार्केट तो ओपन नहीं हुआ है लेकिन हमारे सारे जो लेवल्स है वो रेडी हो चुके हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हो कि रेड लाइंस पर मैं क्या करता हूँ, कॉल भेजता हूँ, ग्रीन लाइंस पर मैं पुट भेजता हूँ। ठीक है, आप सारे लेवल्स को भी वेरीफाई भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मेरे ये लेवल्स कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये सारे लेवल्स एडिटेज बने रहेंगे और इसी पर मैं काम करूँगा। बैंक निफ्टी में देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, अभी मार्केट खुलने का वेट करते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होता है फिर आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। क्या सिंपल सा फंडा है, रेड लाइंस पर व्यू मेरा डाउन हो गया। ठीक है, कब तक? जब तक ये ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन पर नहीं आता है। अगर ये ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन पर आएगा तो मैं पुट बेचने का सोच सकता हूँ। सारे का सेम ही है मेरा कोई किसी के लिए अलग नहीं होता, चाहे कोई सा भी स्क्रिप्ट क्यों ना हो। हाँ, टॉप पर कोई कॉल बेचने का मौका मिलेगा तो मैं कॉल बेचूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा मार्केट नीचे की तरफ आए, कोई बॉटम एंट्री बनाए, उसके बाद मैं पुट बेचूँ। ठीक है, देखो मार्केट की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर वन, यहाँ से मार्केट पहले दिखाया सबको कि डाउन जा रहा है और एक झटके में फिर यहाँ से कहने की ऊपर की तरफ चला जाएगा, मैं पकड़ लूँगा बॉटम। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और दिखाएगा कि भैया हाँ अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, लोग यहाँ पर बाई करेंगे और फिर मार्केट क्या करेगा, वहीं से डाउन दिखा देगा, तो मैं यहाँ पर टॉप पकड़ लूँगा। सिंपल सा फंडा है, एकदम चीज़ें फिक्स है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो, ठीक है, लेकिन इसे समझ जाओ कि लेवल्स फिक्स हो चुके हैं, व्यू भी फिक्स हो चुका है, बस वेट करना है टॉप एंड बॉटम बनने का। जैसे ही बनेगा फिर मैं काम करूँगा। तो चलता हूँ, अभी ऑर्डर ले लेता हूँ, ठीक है, बाद में सारी बातें करते रहेंगे। कॉल बेचूँगा मैं, इसको बेच देता हूँ दूर का भाई, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। हो गया, यहाँ पर आकर देख सकते हो 40-50 जो भी चल रहा है, घाटा प्रॉफिट चलता रहता है, धरती का नियम है। 10 बजे का टाइमर पर एंट्री करी हुई है, मार्जिन भी देख लो, बहुत सारे लोग मार्जिन को लेकर सोचते रहते हैं। 1 लाख लगे हुए हैं, मतलब 30,000 पर लॉट के आसपास, 205 रुपये का प्रॉफिट, सॉरी नुकसान से खड़ा है। 10:18 पर एंट्री करी हुई है, ठीक है, अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो हमने यहाँ पर एंट्री करके रखी हुई है, टॉप पकड़ लिया, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है ना तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे की तरफ शिफ्ट कर लूँगा, अदरवाइज मैं होल्ड करूँगा। नीचे की बात करोगे तो मार्केट कहने की आज का डे लो और ये ब्लू लाइंस का भी टारगेट दे सकता है। हमने आपको जैसा पहले बोला था, या तो मार्केट ऊपर जाए, ऊपर तरफ ट्रैप करे लोगों को बाई साइड में, उसके बाद मार्केट नीचे तरफ जाए तो मैं टॉप पकड़ लूँगा। उसी के हिसाब से मार्केट गया हुआ है, ये ऊपर गया हुआ है, यहाँ पर लोगों को दिखेगा भैया बाई हुआ है। देखो आज मार्केट दो तरफ ट्रैप करेगा, इधर के भी ट्रैप करके मार्केट कहने की फिर से नीचे जा सकता है और नीचे की तरफ भी ट्रैप बना सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती है, बट अपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला खास, क्योंकि हमने टॉप पकड़ लिया, टॉप पर एंट्री कर लेना, अब वेट करना, सिंपली वेट करते जाओ, देखते जाओ क्या होता है, ठीक है, अभी वेट करना बनता है। क्योंकि देखो मैंने आपको मार्केट खुलने से पहले बता रखा था कि रेड लाइन मतलब मेरा सेल करने का व्यू फिक्स है 100%, तो मैं जब फिक्स है तो फिर यहाँ पर इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं होता है कि ग्लोबल मार्केट ये बोल रहा है वो बोल रहा है वाई ये बोल रहा है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, मेरे सिस्टम के हिसाब से मेरी एंट्री बन गई, मैंने काम किया। हाँ अभी नुकसान चलने वो अलग मैटर है, उसको भी हम देख लेंगे क्या होता है, जैसा भी हम आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो फाइनली देख सकते हो कि अभी तो मेरे को फर्स्ट ट्रेड मैंने दिया था, बैंक डे कॉल बचा था, इससे मेरे को नुकसान हो गया, बट कोई बात नहीं, अभी हम एक मौके की ओर तलाश कर रहे हैं। ऐसे मैं निफ्टी में फिर से कॉल बेचूंगा, ये वाली चीज़ें 3 दिन और में लगा रखे हैं, तो एक मौका मिलता है जिसके बाद मैं एंट्री लेकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ से एंट्री लेने का समय हो गया है, एंट्री मैं ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंट्री हमने दोबारा एंट्री कर ली निफ्टी में। निफ्टी में भी क्या बेचा है, कॉल ही बेचा है हमने, क्योंकि मेरा जो व्यू है ना वो डाउन का ही है अभी भी। हाँ देखो एक बार तो नुकसान ले रखा है, कोई बात नहीं, दोबारा हमने एंट्री करी है, अब दोबारा से देखो क्या होता है। अगर इस ट्रेड में मेरा नुकसान हो जाता है तो मैं इस ट्रेड में कोई ट्रेड नहीं करूँगा इस ट्रेड के बाद, और अगर इस ट्रेड में मेरे को कोई प्रॉफिट भी जाता है तो भी मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ये मेरा लास्ट ट्रेड है, क्योंकि मैं दिन के मैक्सिमम 2 ही ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको जस्ट मार्केट खुलने से पहले बता रखा था कि देखो मार्केट ट्रैप करेगा। देखो मार्केट क्या किया, पहले नीचे ट्रैप किया, दिखाया बड़े से रेड कैंडल, यहाँ पर लोग सेल किए होंगे, सेल करके ट्रैप बना दिया, यहाँ पर लिटरल लोग सेल को फंस होंगे, मार्केट फिर यहाँ से पूरा पूरा घूम गया। और हमने आपको मार्केट खुलने से पहले बता रखा था कि ये रेड लाइन से मेरा व्यू जो है वो डाउन का है, कब तक, जब तक मार्केट एटलीस्ट अपने ब्लू लाइन पर नहीं आता है, ठीक है, ब्लू लाइन पर भी नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पर मार्केट आ गया ना, यहाँ पर आने के बाद फिर से कहने के ट्रैप बनाया और फिर से मार्केट डाउन की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो हमने अपनी पोजीशन बना रखी है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे तरफ जाता है तो मैं क्या करूँगा, अपने ट्रेलिंग स्टॉप को जरा नीचे तरफ शिफ्ट कर दूंगा, कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, हो सके तो उससे भी ज़्यादा नीचे, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो वेट करना बनता है। अभी कुछ भी मूवमेंट मुझे कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, वही 600-700 जो मतलब मान लो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास जो एंट्री करी है उतना ही चल रहा है अभी, अभी वेट करना बनता है, देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। एक झटके मार्केट ने मेरा लॉस भी रिकवर कर दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, ये होती है गाइस सही तरीका। अगर आपको देखो सही तरीका पता है ना मार्केट में, तो आप मार्केट में कभी भी ट्रैप नहीं होगा, ठीक है, ट्रैप अगर होगी भी तो मार्केट आपको मौका देगा दोबारा से एंट्री करने का,
और आपका सारा लॉस रिकवर होगा, क्योंकि मैं देखो बड़े रिस्क वाले से मैं काम करता हूँ, क्योंकि एक बार मेरा नुकसान हो गया फिर दोबारा तुरंत ही प्रॉफिट भी और आपसे कहीं ना कहीं बड़ा है, ठीक है। तो अभी वेट करना बनता है, क्योंकि आप जैसे तो अभी मार्केट गिर रहा है, अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अभी से समझ जाओ कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में निकलने का ट्राई करूंगा। देख सकते हो अभी मार्केट वहीं पर चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, मेरा प्रॉफिट 200 300 400 चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए ना तो मैं अपना ट्रेलिंग कहीं ना कहीं इधर के आसपास सिंपली शिफ्ट करके होल्ड करूंगा लंबे टारगेट्स के लिए। मार्केट आसपास और नीचे जब जाता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं कहने के अपना ट्रेलिंग इधर के आसपास लगा करके होल्ड करूंगा, बाकी का देखते हैं क्या होता है। मार्केट कहने के सर्विस टाइप का मूवमेंट दे रहा है, अभी वेट करना बनता है। तो आप देख सकते हो कि पेशेंस जो है हमेशा आपको अच्छा ही दिखाता है। अभी देख सकते हो कि मार्केट लगातार गिरता हुआ जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपना ट्रेलिंग इधर कैसे लगा लूंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट हमारे व्यू कौन चलेगा, चला। अब मैं अपना ट्रेलिंग इधर कैसे बस कर लेता हूँ सिंपली, क्यों, क्योंकि मार्केट देख सकते हो कि मार्केट एक बहुत ही अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट दिखा रहा है 3,000 रुपये का, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट 4,000 का है तीन ही लॉट में, बट लॉस को एडजस्ट करने के बाद 3,000 का प्रॉफिट मेरे को चल रहा है। देखो ये सारी चीज़ें ना होती रहती है, ये सारी चीज़ें कब होंगे पता है आपको, जब आपको अपने सिस्टम पर बिलीव होगा और जब आपको राइट नॉलेज पता होगी, जब आपको राइट स्किल पता होगी, जब आपको राइट सेटअप पता होगा, जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होगा। मैंने आपको शुरू से बोल रखा था कि मैं यहाँ पर लेवल तो अभी तो मैंने बनाया नहीं है, जाकर वीडियो की स्टार्टिंग में देखना, मैंने मार्केट खुलने से पहले बता रखा, मैं कोई भी चीज़ हो ना मेरा बाद में नहीं होता कि अरे यार मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर मैं वाई देख लूँ, ग्लोबल मार्केट देख लूँ, मल्टीपल चीज़ें देख लूँ, निफ्टी 50 में काम कर रहा हूँ तो रिलायंस देख लूँ, टाटा देख लूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता, ठीक है। मार्केट में अगर आपको तरीका पता है, राइट नॉलेज पता है, तो बस आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल वेट करोगे। एक बार क्या हुआ, एक बार मेरे को इसमें थोड़ा सा मार्केट ने ट्रैप कर दिया, कोई बात नहीं, ट्रैप कर दिया तो क्या है, प्लान बी तो मेरा हमेशा है, प्लान बी तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा, जितने लोगों ने MT को 2.0 का एकदम मार्केट ज्वाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी है, प्लान भी लगाया मार्केट में फिर से जैकपॉट मिल गए, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, ठीक है, बढ़िया से प्रॉफिट चल रहा है। अभी वेट करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा, इस लेवल के ऊपर, इसलिए लेवल के ऊपर, तो मैं पोजीशन काटूंगा, अदरवाइज आज का डे लो मेरा टारगेट है। तो फाइनली देख सकते हो मार्केट तो अभी क्लोज नहीं हुआ, अभी तो 1:10 हो रहे हैं, लेकिन हमने आज अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया है। अब कुछ मैं बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 4,900 का समथिंग का प्रॉफिट मेरे को टोटल हो पाया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको आ जाओ मार्केट समझाता हूँ पूरा डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से। देखो सबसे पहले जो हमने एंट्री करी थी ना, वो हमने करी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हालांकि मेरे को नुकसान हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नुकसान प्रॉफिट चलता रहता है, इधर के आसपास मेरा मार्केट एसएल खा गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमने आप लोगों को ये देखो, पहले सब चीज़ों को समझने का ट्राई करो, हमने हर एक चीज़ के लिए रूल्स बना रखा है कि अगर लॉस हो तो क्या करना है, पहले एंट्री के बाद क्या करना है, प्रॉफिट हो तो क्या करना है, सब चीज़ का रूल। अगर पहले एंट्री में जो प्रॉफिट होता है, दिन में कोई ट्रेड नहीं करता, पहले एंट्री में मेरे को नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, फिर दोबारा एक ही मौका ही मिला हुआ है आज के दिन पर, केवल निफ्टी में, वो भी टॉप पर। मैं आपसे क्या बोलता हूँ, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते होगे तो मैं आपको यही बोलता हुआ सुनना दूंगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट का टॉप पर एंट्री करता हूँ या बॉटम एंट्री करता हूँ, तो ये मैंने टॉप पर पकड़ा कि नहीं पकड़ा, आप एक एंट्री करते हुए देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको साथ ये भी बोलता हूँ कि मार्केट का सबसे जो बड़ा मूवमेंट आता है वो कहने के टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पर आता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट का सबसे बड़ा मूवमेंट क्या है, डाउन वाला ही तो मूवमेंट है, यहाँ पर छोटे लॉस के साथ एक बढ़िया सा डाउनसाइड का मूवमेंट हमने कैप्चर कर लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपको मैं जितने ये सारे लेवल्स जो हैं, जितने भी रेड लाइंस ग्रीन लाइंस है, ये सब का सब क्या है, ये सबका सब मैंने मार्केट खुलने से पहले बता रखा है, ठीक है। हाँ, मार्केट खुलने के बाद थोड़े मोड़े एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, बट उसमें भी कोई व्यू का चेंजेस नहीं होता है, हमारा जो लेवल्स बन गया वो बन गया, ठीक है। मैंने आपको मार्केट खुलने से पहले बता रखा था कि रेड लाइन पर मेरा जो व्यू है वो कॉल बेचने का ही, मैं किसी भी कीमत पर अपने बात से मुकरता नहीं हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे हर चीज़ का फिक्स रूल है, हमने हर एक चीज़ों पर बहुत दिनों से प्रैक्टिस की है, हर एक दिनों पर बहुत हर एक टाइप के मार्केट में इसको यूज किया हुआ है, और बहुत छोटे से लॉस के साथ हमने एक बहुत बड़ा जैकपॉट पकड़ लिया, ठीक है। और इसके पहले मैं क्या मैं वीडियो में लगातार बोल रहा था कि मैं ट्रेलिंग अपना अब यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक उसकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम होगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमने बहुत अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया हुआ है,
अभी की अगर बात करोगे तो मेरा टारगेट कहने किधर के आसपास करता था, जो मार्केट ने बहुत इजीली दिया। देखो मैं यहाँ से मार्केट जब गिरा ऊपर आया, नहीं आया यहाँ पर ट्रेलिंग लगाया, इस नीचे गिरा ऊपर आया, यहाँ आया यहाँ पर ट्रेलिंग लगाया, फिर नीचे गिरा ऊपर आया तो यहाँ पर मैंने ट्रेलिंग लगा के रखा था। मार्केट जब इसके ऊपर जाने लगा तो मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट आया था तो लगभग मेरे को 6,500 से लेकर के 7,000 के आसपास का प्रॉफिट आई थिंक दिखा रहा था, बट कोई देखो इशू नहीं है। अभी भी मार्केट हो सकता है कि भी मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड की रैली बना दे, क्यों? क्योंकि नीचे अभी भी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कोई एंट्री नहीं बनी है। जब इधर के आसपास या इधर के आसपास मार्केट, अगर लास्ट टारगेट की बात करोगे तो मार्केट का लास्ट टारगेट कहने की आज के दिन पर ये हो सकता है 25,580। अब ये देगा नहीं देगा ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमने एक डिसेंट सा मार्केट में मूव कैप्चर किया हुआ है। तो आज बहुत सारे लोगों का पिछली बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इरर आ रहे थे, तो मैंने आज के लिए केवल डिस्काउंट लिंक दे रखा है। आप ये सारी चीज़ें, ये कैसे लेवल्स निकालने हैं, कैसे मैं एंट्री करता हूँ, क्यों मैंने टॉप पर एंट्री किया, क्यों इस मोमेंट को नहीं लिया, क्यों इधर मैं एंट्री नहीं किया, A to Z चीज़ें और मेरे सारे ट्रेड्स आपको MTP 2.0 प्लस क्रैक द मार्केट में सिखाया जाता है, ठीक है, एकदम डिटेल में। अगर मैं देखो गाइस कर सकता हूँ, टॉप बॉटम पकड़ सकता हूँ, तो आप भी पकड़ सकते हो। बस आपका और मेरा लॉजिक सेम होना चाहिए और उसके लिए आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। बाकी मार्केट में देखो काम करना बहुत ज़्यादा इजी है, मैं तो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी थोड़े से और आपको बेनिफिट बना देता हूँ। देखो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पर क्या होता है, अगर मैंने टॉप पकड़ लिया, ठीक है, तो यहीं से मार्केट क्या होगा, यहीं से मार्केट पूरा का पूरा गिरने का चांसेस होता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके SL बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, और SL बहुत ज़्यादा अगर छोटे होंगे तो आपके टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं, अगर आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि अगर एक बड़ी लाइन को बिना मिटाए आपको छोटा करना है तो आप कैसे करोगे, तो एक बहुत पॉपुलर कहानी था कि उसके पीछे एक और बड़ी, उससे बड़ी लाइन खींच दो ताकि वो आपकी लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाए, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है, अगर आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, तो आप सिंपली अपने रिस्क को छोटा कर लो। अगर आप रिस्क छोटा हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आपका रिस्क छोटा है तो प्रॉफिट थोड़े से भी मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएंगे, ठीक है। और टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पर ये एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपकी एंट्री बने तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग ये भी है कि अगर मार्केट एक बार आपके फेवर में चला गया देन फिर कहीं ना कहीं आप नो लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास भी लगा करके होल्ड कर सकते हो ट्रेलिंग की मदद से। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और अभी देखो यार, अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, प्लान इन द सेंस ये है कि अभी अपना यार ट्रेडिंग की वीडियो रोज पोस्ट करके मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, ठीक है, कुछ अब यूनिक करने का सोच रहा हूँ। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आप ये ट्रेडिंग की वीडियो मिस कर लो, तो आप लोग भी सजेशन में डाल सकते हो कि इसके बाद हम किस टाइप की वीडियो बनाएं, आप लोगों को क्या वीडियो देखना पसंद आएगा, या फिर यही वीडियो कंटिन्यू रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।